हे गाइस, दिस इज हिमांशु जांगेट ऑन हिमांशुज पॉडकास्ट और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इन कॉन्वर्सेशन विद के पहले शो पर। आज जो शख्स हमारे साथ हैं, इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी इन जिंदगी के अहम 35 प्लस साल दिए हैं। इन्होंने अब तक 50 से ज़्यादा मूवीज़ में काम किया है, 20 प्लस टीवी शोज़ किए हैं और आप इनका नाम भले ही ना जानते हों लेकिन हम इन्हें इनके काम से जानते हैं। इनका चेहरा हमारे दिल में डॉक्टर रुस्तम पादरी के रूप में छपा हुआ है। आइए स्वागत करते हैं श्री कुरुश डेबू जी का। नमस्कार कुरुश सर, कैसे हैं आप? बस आई एम एब्सोल्युटली फाइन, बहुत बहुत बढ़िया हूँ और आपकी दुआ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु भाई। आपने तो इतनी तारीफ कर लिया कि ही मेरा दिल भर गया, लेकिन आपने दिल से कहा है, आपने मेरी प्रोफाइल देखी है, आपने मेरा काम देखा है, तो हिमांशु जांगी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपने मुझे आपके प्लेटफॉर्म पे आज आमंत्रित किया है, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हो सकता है कि मैं आपसे भी कुछ मेरे बारे में या आपके दर्शकों के बारे में कुछ नया जानने का मिलेगा। तो मैं एक प्रोफेशनल एक्टर हूँ, मेरा नाम कुरुश डेबू है, लोग मुझे डॉक्टर रुस्तम पावरी मुन्ना भाई MBBS के कैरेक्टर से पहचानते हैं, मेरे काम से जानते हैं जैसे हिमांशु जांगिद भाई ने बताया। और मैं हिमांशु पॉडकास्ट और उनके जो दर्शक है ये यूट्यूब पे, रेडियो पब्लिक पे, रेडियो 90.8 पे, सभी को मैं बहुत बहुत शुक्रिया और स्पॉटिफाई के पॉडकास्ट और बाकी जितने भी पॉडकास्ट पे सुनने वाले हिमांशु पॉडकास्ट के चाहकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चलिए हिमांशु भाई, दिल से आज आप बात करेंगे और मैं दिल से जवाब दूंगा। शुक्रिया सर, और इसी एक्साइटमेंट के साथ चलिए शुरू करते हैं। तो सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपने कब तय किया कि आप एक एक्टर बनना चाहते हैं? आपके एक्टर बनने से पहले की आपकी लाइफ क्या थी, आपने किस तरह का स्ट्रगल फेस किया और उसके बाद में जब आपने अपना एक्टिंग करना स्टार्ट किया तो उसके बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए, आपका एक्टिंग करियर कैसा रहा है? तो मैंने अपना बीकॉम ग्रेजुएशन नवसारी, मेरी नेटिव प्लेस गुजरात में, साउथ गुजरात नियर सूरत, वहाँ मैंने किया था फर्स्ट क्लास में। और मैंने फैसला किया कि मैं मुंबई जाकर ग्रेजुएशन के बाद MBA का, MBA के लिए बहुत सारी एंट्रेंस टेस्ट के लिए अप्लाई किया था, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे एक भी MBA कोर्स में एडमिशन नहीं मिला। तो मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं बोला चलो कुछ और करते हैं और मैंने डिप्लोमा किया जेवियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशंस में से एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग का डिप्लोमा और बजाज इंस्टीट्यूट में से डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजमेंट का डिप्लोमा यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे का, ये मैंने दो डिप्लोमा किया। और मेरी इंग्लिश उस वक्त बहुत पुअर थी क्योंकि हम लोग वर्नाक्यूलर गुजराती मीडियम में थे। तो जब मैं बम्बई आया तो मैंने फैसला किया था कि मैं सबके साथ सिर्फ अंग्रेजी में बात करूंगा, गलत सही कुछ भी हो, बट आई विल स्पीक ओनली इन इंग्लिश। और मैंने इंग्लिश का कोर्स भी ज्वाइन किया था, सब लोग फ्रेंड्स रिलेटिव्स मुझे हेल्प किया था, तो इसके लिए एक फ्लुएंसी आ गई थी। ऑफकोर्स आई यूज टू स्पीक रॉन्ग इंग्लिश बट एक फ्लुएंसी आ गई। तो एक होता है ना, कॉन्फिडेंस आ जाता है जब ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू होते हैं MBA के सेकंड दूसरा और तीसरा चरण में, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो मैंने अपना प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी लिया, मैंने मैनेजमेंट ट्रेनिंग बलसारा हाइजीन में से लिया, उसके बाद टाटा इकोनॉमिक कंसल्टेंसी में से मार्केट रिसर्च किया, LR मार्केटिंग टाटा एडवर्टाइजिंग एजेंसी सेल्स प्रमोशंस में काम किया। उस वक्त नेचुरली मैं बम्बई में थिएटर तो नहीं कर रहा था क्योंकि पूरा दिन जॉब में चला जाता था और पढ़ाई में चला जाता था, तो एक्टिंग का कीड़ा था लेकिन मैं कुछ कर नहीं रहा था। तो बहुत सारी मैगजीन्स पढ़ता था, मुझे बहुत शौक था, स्टारडस्ट है, मायापुरी है, स्क्रीन है, रेगुलरली पढ़ता था, इवन ट्रेड मैगजीन्स भी पढ़ता था। तो दो चार इंटरव्यूज पढ़े थे, गुलशन ग्रोवर जी का, अनिल कपूर जी का, गोविंदा जी का, और सब में एक बात कॉमन थी कि सब ने रोशन टनेजा एक्टिंग कोर्स में से कोर्स किया था और एक साल का वन ईयर फुल टाइम कोर्स किया था। तो मैंने भी फैसला कर लिया कि भाई कुछ भी हो जाए, मेरा जो सपना है कम से कम ये कोर्स तो कर लूँ, फिर कोशिश करते हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर वापस नौकरी करेंगे। तो ये फैसला मैंने किया, मैंने अपने परिवार वाले को बताया नहीं क्योंकि मुझे मालूम था कि दे आर डेडली अगेंस्ट गोइंग इन टू फिल्म इंडस्ट्री बिकॉज माई फादर सफर अ लॉट फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री। तो होता है कि अगर आप अकेले हैं तो स्ट्रगल और तकलीफ हो जाती है। एक साल का मैंने रोशन तनेजा का एक्टिंग कोर्स किया, वहाँ भी ऑडिशन देना पड़ा था,
मेरे साथ क्लास में उस वक्त आमिर खान के भाई फैजल खान थे, अच्छे दोस्त थे मेरे, बहुत सारी हेल्प भी किया था स्टिल फोटोग्राफी हमारे परफॉर्मेंस के बाद उसने क्लिक करके दिया था, वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। तो वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद मेरी किस्मत अच्छी थी कि इमीडिएटली कोर्स ख़त्म किया और मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली कि भाई NFDC की एक आर्ट फिल्म है पर्सी, गुजराती में बन रही है और उसका मेन हीरो पर्सी कैरेक्टर के लिए ऑडिशन चल रहा है और उसमें पेपर में कुछ डायरेक्टर प्रोड्यूसर का नंबर भी लिखा था, तो मेरे दोस्त ने दिया और मैंने फ़ोन किया और फिर मुलाकात की और बोला कि आपको ऑडिशन इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ज़रूर दूंगा। मैंने ऑडिशन दिया, लुक टेस्ट दिया स्टील फोटोग्राफी का और बाद में फाइनली सिलेक्टेड हुआ। दैट वॉज द बिगेस्ट मोमेंट इन माई लाइफ कि एक्टिंग कोर्स में से डिप्लोमा लेकर बाहर निकला और सीधा पासपोर्ट के साथ वीज़ा भी मिल गया, तो दैट वॉज द बिगेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। और आर्ट फिल्म में बहुत सटल एक्टिंग करना पड़ता है, उसमें कोई भी कमर्शियल हीरो की क्वालिटी नहीं थी, वेरी सटल टोटल कैरेक्टराइजेशन। आई हैव परफॉर्म मामास्कर कैरेक्टर एंड आई वाज नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट एक्टर नेशनल अवार्ड, तो ये फिल्म मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगी। मेरी पहली फिल्म थी, डायरेक्टर परवेज मेहरवान जी ने डायरेक्ट और प्रोड्यूस की थी, NFDC ने प्रोड्यूस की थी, वंडरफुल एक्सपीरियंस। रूबी पटेल मेरी मदर बनी थी, शी वॉज द हीरोइन ऑफ द फिल्म, ज़ेनोबिया श्रॉफ थी वो मेरी गर्लफ्रेंड हीरोइन बनी थी, तो एनीवे इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस वर्किंग विद देम। और उसके बाद मुझे एक कमर्शियल फिल्म मिली, कभी हाँ कभी ना, शाहरुख खान का बेस्ट फ्रेंड बना था कुंदन शाह की फिल्म। कुंदन शाह नेशनल अवार्ड में जूरी थे जिन्होंने मेरी पर्सी फिल्म देखी थी एंड ही डिसाइडेड टू गिव मी दिस रोल, तो वो फिल्म मेरी पहली कमर्शियल फिल्म। बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, बड़े की अपनी बात किया, कुछ फिल्म भी किया, आसमान से गिरा, संडे किया, पंकज अडवाणी की, बट बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। और बाद में इंटरनेशनल फिल्म में सच लॉन्ग जर्नी, दैट वॉज अ चैलेंजिंग रोल, मैंने पागल का किरदार किया था, वॉज नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर इन कैनेडियन जीनी अवार्ड, तो ये फिल्म मेरे लिए बहुत यादगार रही। ऑल्दो हिंदुस्तान में इतनी नहीं चली लेकिन US, कैनेडा और UK में बहुत चली और बहुत इंटरनेशनल फिल्म मेकर्स ने मेरी तारीफ की थी, सो दैट वॉज अ गुड अचीवमेंट। तो सच लॉन्ग जर्नी जैसे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट किया, मैं वहाँ अवार्ड सेरेमनी में गया था, ऑल्दो आई डिड नॉट विन द अवार्ड बट प्रीमियर था, सब सेरेमनीज आई अटेंडेड। आई डिडंट गेट एनी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स इन इंडिया इवन आफ्टर डूइंग दिस सच अ वंडरफुल परफॉर्मेंस इन सच लॉन्ग जर्नी। एनीवे उसके बाद भी मैंने बहुत सारी फिल्में की, जैसे झंकार रीड्स की, चुपके से की, बहुत सारी कमर्शियल्स की एंड फाइनली मतलब आई कैन से 88-89 में पर्सी फिल्म शूट किया था, 87-88 में मैंने डिप्लोमा किया था वॉशिंगटन में, तो आप 87-88 छोड़कर 88 से पकड़ेंगे तो 2003 में मुन्ना भाई MBBS फिल्म बनी, तो 88-98 15 साल के बाद मुझे एक ऐसी फिल्म बनी जिस फिल्म ने मेरी करियर चेंज कर दी, मेन फेम बनी, सब कुछ दिया और उसके लिए मैं डायरेक्टर राजकुमार हिरानी सर और प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा सर, दे आर माई डेमिगॉड्स, बिकॉज उस वक्त मैंने ऑडिशन दिया था और फाइनली दे सिलेक्टेड मी, आई वर्क्ड हार्ड फॉर दैट प्रोजेक्ट एंड फाइनली दैट प्रोजेक्ट बिकेम जस्ट लाइक शोले। और जितने भी कैरेक्टर्स शोले के फेमस हो गए वैसे ही मुन्ना भाई MBBS के कैरेक्टर्स फेमस हो गए, और डॉक्टर रुस्तम पावली का कैरेक्टर सदाबहार अमर हो गया, मेरा फादर का कैरेक्टर पप्पा जिसने किया था वो भी अमर हो गया, और बाकी के कैरेक्टर्स तो आप जानते ही, बमन ईरानी का, डॉक्टर अस्थाना, सर्किट का कैरेक्टर और मुन्ना भाई का, सारे कैरेक्टर्स इमॉर्टल हो गए जिस तरह शोले के कैरेक्टर्स इमॉर्टल हो गए। तो जो कुछ भी हो आज नेम फेम मनी और मुझे एक रिस्पेक्टेबल प्लेटफॉर्म मिला, आप बिलीव नहीं करते, मुन्ना भाई MBBS के बाद मैं जो भी फिल्म करता उसमें डायरेक्टर्स लोग भी मुझे सर कहते हैं, मैं ना बोलता हूँ कि सर तो मुझे बोलना, डायरेक्टर इज माई गुरु, लेकिन वो लोग रिस्पेक्ट देते हैं। और कुछ यंग डायरेक्टर्स आए थे कि सर मुन्ना भाई MBBS देखकर तो हम लोग ये फिल्म लाइन में आए और आपका रोल तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, तो उनको कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है कि माय गॉड दिस डायरेक्टर्स आर सो यंग, बट ऑल फिल्म इंडस्ट्री पीपल, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, को एक्टर्स, इवन मेन हीरो हीरोइन, दे ऑल्सो कॉल मी सर, तो बहुत इज्जत मिला। और ये इज्जत मैंने खुद कमाई नहीं है, मुन्ना भाई MBBS की देन है कि इफ यू आर इन द राइट टाइम राइट फिल्म एट राइट प्लेस एंड इफ दैट फिल्म बिकम बॉक्स ऑफिस सक्सेसफुल
ये सभी राइट कॉम्बिनेशन, बॉक्स ऑफिस सक्सेसफुल, राइट टाइम पे रिलीज होना, राइट फिल्म में होना, राइट किरदार मिलना, ये सारे राइट कॉम्बिनेशन से अगर राइट हो जाते हैं तो की फिंगर क्रॉस सोने पे सुहागा हो जाता है। थैंक यू गुना भाई MBBS, आज जो कुछ भी मैं बदौलत मैं गुना भाई MBBS को क्रेडिट देता हूँ। उसके बाद भी मैंने बहुत सारी फिल्में की, मतलब आज मेरी 50 फिल्म है तो ज़्यादा करके फिल्म मेरी मुन्ना भाई MBBS के बाद ही मिली, बट उसके बाद भी मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, ऑडिशंस देना पड़ा, और कहते हैं ना कि एक स्ट्रगल होती है काम पाने के लिए, आज स्ट्रगल है अच्छे रोल्स पाने के लिए, और अच्छे रोल्स के लिए कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे कैरेक्टर्स के लिए इतने सारे एक्टर्स हैं वो शॉर्टलिस्ट होते हैं, उसमें से एक कैरेक्टर के लिए एक एक्टर सिलेक्ट होता है, तो इट्स कॉम्पिटिशन, बट इट्स अ हेल्दी कॉम्पिटिशन। यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ, यू हैव टू बी पॉजिटिव, यू शुड गो विद पॉजिटिव एटीट्यूड के यस आई विल गेट दिस रोल, आई विल गिव माई बेस्ट इन ऑडिशंस, और बाद में ऊपर वाले पे छोड़ देने का। मुझे विधु जी की लाइन याद है, विधु जी ने ट्रायल शो रखा था मुन्ना भाई MBBS में, और ट्रायल शो में अभी आजकल क्या होता है ना कि डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स आपको सवाल जवाब पूछते हैं कि फिल्म कैसी लगी, और नॉर्मली लोग डिप्लोमेटिकली बहुत अच्छी है, बहुत तारीफ ही करेंगे, बिकॉज नोबडी वांट्स टू इंसल्ट एनीबॉडी। तो ये एक फिल्म का एक क्या बोलते हैं, एक फॉर्मेलिटी है कि आपको फॉर्मल वे कहना पड़ता है, तो मैंने भी ऐसे ही कहा बहुत अच्छा बहुत है, तो बोला कि नहीं 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 तेरे तेरे चेहरे पे दिखा रहा है, बोल क्या है ना बोल। मैं बोला कि सर इसके पहले बहुत सारी कॉमेडी फिल्म आई थी और वो इतनी सुपर डुपर हिट नहीं गई जैसे अंदाज अपना अपना, मैंने एग्जाम्पल दिया, बाद में केबल पे और टेलीविजन ब्रॉडकास्ट में बहुत चली, बट रिलीज हुई थी अनफॉर्चुनेटली द बेंचमार्क कल्ट कॉमेडी फिल्म डिडंट वर्क एज एक्सपेक्टेड, इट वाज अ सक्सेसफुल मूवी बट नॉट द सुपर डुपर सक्सेसफुल। तो विधु जी ने एक अच्छी बात बोली, विधु सर बोले कुरुश हमने मेहनत किया, हमने कर्मा किया, हमने बेस्ट फिल्म बनाया, यस सर देयर इज नो डाउट अबाउट इट। जब स्क्रीन मिला था तभी हम लोगों को पता था कि दिस फिल्म विल बी अ मास्टरपीस कॉमेडी, बस हमें अपना काम करना चाहिए, कर्मा करना चाहिए, और फल की इच्छा नहीं करना चाहिए, बाकी ऊपर वाले के ऊपर और दर्शकों के ऊपर बॉक्स ऑफिस का फैसला छोड़ देना चाहिए, हमें उस बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, बस कर्मा करो और ऊपर वाले और दर्शकों के ऊपर छोड़ दो। ये विधु जी की बात मुझे दिल में छू गई कि इतने बड़े इंसान है बट कितने प्रैक्टिकल है, उनका काम है, उनका जो पैशन है वो फिल्म बनाने का, फिल्म बनाते वक्त वो नहीं सोचते कि ये बॉक्स ऑफिस पे कामयाब होगी कि नहीं होगी, मैं बॉक्स ऑफिस के फॉर्मूला के लिए फिल्म बनाऊं कि नहीं। विद्युत सर और राजकुमार सर ऐसे इंसान नहीं होते, और दूसरी बात कि वो लोग एक स्क्रिप्ट के पीछे कितने साल लगा लेते हैं, कितने ड्राफ्ट्स बनाते हैं। मैंने फरारी की सवारी के ड्राफ्ट का नंबर लिखा तो 67 नंबर चल रहा था, राजेश मापुसकर को वॉज द डायरेक्टर राइटर, कि इतने सारे ड्राफ्ट के यस हम लोग कितने साल से काम कर रहे हैं और ये 67 ड्राफ्ट है, आप सोचिए कितनी मेहनत करते हैं, और फिर वो फिल्म हिट जाना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप अच्छे पैशन से अच्छी नीयत के साथ फिल्म बनती है तो वो दर्शकों को दिल को छू लेती है। एंड राजकुमार सर और विधु जी सर हैज क्रिएटेड हिस्ट्री एंड आई एम अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, थैंक्स फॉर मुन्ना भाई MBBS। मैंने उसके बाद लगे रहो मुन्ना भाई ने एक कैमियो रोल लॉयर का किया था, बट एक म्यूचुअल हम लोगों को रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए कि आज मैं इस फिल्म के साथ एसोसिएट था, मुझे इतना प्यार मिला, इतना मुझे रिस्पेक्ट मिला, और आज भी इनफैक्ट मुझे राजू सर ने एडिट के वक्त बोला था, डबिंग के लिए मैं गया था ना तो ऐसे ही बैठे थे डबिंग का कुछ तैयारी हो रही थी, कुरुश ये फिल्म हिट है और तेरा कैरेक्टर भी हिट है और तुझे इसके बाद बहुत सारे रोल मिलेंगे, बोला रोल मैं कभी हम कभी ना के बाद भी इंतजार करता रहा, बने की अपनी बात के बाद भी इंतजार करता रहा, सच अलॉन्ग जर्नी के बाद भी इंतजार करता रहा, झक्का बीट्स के बाद भी करता रहा, लेकिन सर रोल आए ही नहीं मेरे पास, बोला कुरुश ये फिल्म के बाद तुझे मिलेंगे याद रखना, और राजू सर ने जो फॉरकास्ट किया था वो सही, एक अर्शद वासी ने भी फॉरकास्ट किया था, अर्शद जी ने मुझे बोला था कि कुरुश ये फिल्म में तेरा रोल हिट है, अर्शद जी ने और जिंग शेरी दोनों ने बोला था कि तुझे बहुत काम मिलेगा इंशाल्लाह, आज जो भी मुझे काम मिल रहा है वो मुन्ना भाई MBBS की बदौलत है। हाँ मैं तो कह रहा था कि वो स्ट्रगल पे है, कि अभी अच्छे रोल की स्ट्रगल के लिए कोशिश जारी है, काम तो मिल रहा है, बहुत सारा काम है, वेब सीरीज है, मैंने 10 वेब सीरीज की, 25 टीवी सीरियल की, फिर 50 फीचर फिल्म की, 200 टीवी कमर्शियल्स की, बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स डॉक्यूमेंट्रीज की,
और बहुत सारा काम किया। थिएटर मैंने एक हिंदी प्ले किया था पृथ्वी में कहा फकीरचंद, और वो भी बहुत कभी हाँ कभी ना के वक्त। उसके बाद मैंने नहीं किया क्योंकि क्या होता है ना कि आजकल शूट्स 12 घंटा 14 घंटा की शिफ्ट हो जाती है एंड इट्स सच अ टाइट शेड्यूल, तो डेट्स थिएटर का और ये एडजस्ट करना मेरे लिए मुश्किल है। बाकी लोग करते हैं सो क्रेडेंशियल टुडे, बट आई कैन नॉट टेक दैट स्ट्रेस एंड टेंशन। मैं एक दिन में एक ही फिल्म करता हूँ, दो शूट आ जाता है तो वो भी टेंशन आ जाता है। सच ए इंस्पिरेशनल स्टोरी सर, हमें समझ आता है कि आपने जो स्ट्रगल फेस किया, आपकी कहानी जो आपने हमने सुनी है वो सुनकर समझ आता है कि आप जिस मुकाम पर हैं वो आपने कितनी मेहनत से हासिल किया है। अपार्ट ऑफ ऑल दैट, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग फनी सर, एंड दैट इज नॉट रिलेटेड टू योर लाइक पर्सनल लाइफ, बट आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू कि वॉट आर यू अफ्रेड ऑफ? आई एम अफ्रेड ऑफ ओल्ड एज। आई डोंट वॉन्ट टू डिपेंड ऑन एनी वन। I want to be healthy even at the age of 80, because jaan hai to jahan hai, the same way health is wealth. To main role models 80 saal ke senior citizens ko dekhta hoon ki kitne log abhi bhi healthy hai, har roz niyamit exercise karte hai. I'll follow them and inshallah I'll keep myself healthy and I'll work as a senior citizen actor in film industry. जब तक है जान फिल्म एक्टिंग करते रहेंगे इंशाअल्लाह। सर आप अभी भी काफ़ी जवान हैं और अभी भी देखिए काफ़ी फिट लग रहे हैं मुझे, और जब तक है जान हम भी आपको देखते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ यू कुड गो एनी वेयर इन द वर्ल्ड, सो वे यू वॉन्ट टू गो? आई वुड लाइक टू गो लंडन, दैट्स माई बेस्ट डेस्टिनेशन। माई tourism destination is always London, my most favorite, but my dream, my final working destination is Hollywood. I am keeping my finger crossed, that's my dream, but I am still very positive to work in Hollywood projects inshallah. Great sir, and my next question is that what you like to do in your free time when you have time, then what you like to do in at your home and anywhere else? See, basically, I'm an actor, so in my free time, I would like to see as much movies, web series, TV series, or I should read some novels or any film script, because ये हमारे लिए खोराक है, खाना है। हम लोग बचपन में इतनी सारी फिल्म देखते थे, मुझे याद है मैं सैटरडे संडे सूरत जाता था और एक एक दिन में तीन तीन चार चार फिल्म देखता था। अब वो पैशन इस उम्र में नहीं रहा, बिकॉज वी आर प्रोफेशनल वर्किंग एक्टर्स और वो इतना वक्त निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो टेलीविजन सेट पे हम लोग अच्छी अच्छी फिल्म देख लेते हैं, वेब सीरीज देख लेते हैं, वो हमारे लिए खुराक है। बिकॉज और फिल्म फेस्टिवल्स में जाकर भी फिल्म देखना बहुत अच्छा लगता है, आपको अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग फिल्म देखने की मिलती है। बेसिकली आई एम अ बिग फैन ऑफ कोरियन सिनेमा, फ्रेंच सिनेमा एंड इटालियन सिनेमा एंड ऑल्सो जैपनीज हॉरर सिनेमा एंड ऑफकोर्स हॉलीवुड। And the next question is that what is your favorite dialogue of your movie? देखिए my favorite dialogues तो अलग है, but public ने मुझे इतना force किया, हर social gatherings में, हर stage में मुझे इतना force किया, तो मेरा favorite dialogue मैं बोलता हूँ, कैमरामैन ओ जूस पीवानो मत जानी लाए, रानी तो पप्पा नहीं। And my next question is that if you want to change something in Bollywood, so what do you want to change? Like, अगर आपको कुछ change करने का मौका मिल रहा है तो आप चाहते हैं कि हाँ मैं इस चीज़ को change कर दूँ, because वो चीज़ आपको सही नहीं लग रही हो। देखिए मैं एक एक्टर हूँ, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में अगर मुझे अभी तो बहुत चेंजेस आ गए, वी हैव बेस्ट डायरेक्टर्स, वी हैव बेस्ट प्रोडक्शन हाउस, बेस्ट कास्टिंग डायरेक्टर्स, सब कुछ बेस्ट है। मुझे लगता है, मैं छोटा हूं बड़ी बात है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, पर मुझे लगता है कि हमें राइटर्स फ्रेटर्निटी को एनकरेज करना चाहिए, उनको अच्छा रेम्यूनरेशन देना चाहिए, उसको अच्छी रिस्पेक्ट देना चाहिए, उसको अच्छी क्रेडिट देना चाहिए। पता नहीं जो राइटर्स हैं समहाउ दे आर फीलिंग इनसिक्योर और यू कैन से इनफीरियर कॉम्प्लेक्स के व्हाई दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर क्रेडिट, व्हाई दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर रेम्यूनरेशन, बिकॉज That is the main content. Content is the king.
तो हमारे यहाँ जो क्वालिटी राइटर्स है उसको मौका नहीं मिलता, और अगर मौका मिलता है तो उसको कभी कभी घोस्ट राइटिंग का काम करना पड़ता है, उसको क्रेडिट नहीं मिलती है। इज हिज चॉइस वेदर ही वांट्स टू बिकम अ घोस्ट राइटर और रियल राइटर। टैलेंट है, बट मुझे लगता है कि अगर आप 100 करोड़ की फिल्म बनाते हो तो अगर उसके अंदर आप राइटिंग में आप अच्छा बजट कंट्रीब्यूट करें कि भाई राइटिंग के लिए हम इतना बजट बनाना चाहते हैं, जैसे हम लोग आइटम नंबर सॉन्ग के लिए कितना बड़ा बजट बना देते हैं, तो अगर राइटिंग के ऊपर और काम करें तो फिल्म और अच्छी बन सकती है। क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि हमारी फिल्म्स बॉलीवुड को कॉम्पीट करे या कोई भी फ्रेंच सिनेमा कोरियन सिनेमा को कॉम्पीट करे, उसके लिए अभी भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वी आर वेरी गुड, वी आर नॉट डिनाइंग अबाउट इट, बट टू कैच दैट हॉलीवुड लेवल एंड टू कैच दैट कोरियन सिनेमा और फ्रेंच सिनेमा, वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड एंड मोस्टली इन द स्क्रीन प्ले राइटिंग, ऑल्सो इन टेलीविजन, ऑल्सो इन वेब सीरीज। वेब सीरीज टू दे हैव इम्प्रूव, बट एज फार एज द टेलीविजन सीरीज दे आर स्टिल एम्फेसाइज ऑन टीआरपी। तो राइटर्स राइट वेरी गुड टीवी सीरीज इन इनिशियल स्टेजेस, वंस द टीआरपी इज फ्लक्चुएटिंग देयर राइटिंग मेथड इज ऑल्सो चेंज बाय चैनल्स। सो आई थिंक दैट डिपार्टमेंट दे हैव टू इम्प्रूव एंड दे हैव टू गिव गुड रेम्युनरेशन टू देम। एक ऐसा रोल आपकी मूवी का, एक ऐसा रोल जिसने आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी दिलवाई, आपको लगता है कि वो एक टर्निंग पॉइंट था कि हाँ एक ऐसा रोल है जिसने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है, बहुत कुछ चेंज हुआ है इसमें मेरी लाइफ में? नो डाउट अबाउट इट, पॉपुलैरिटी तो मुन्ना भाई एमबीबीएस के डॉक्टर उस्तम पावरी का कैरेक्टर ने दिलाई, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मतलब आंसर हर एक दर्शक की जबान पे है, हर एक सुनने वाले की जबान पे है, मुन्ना भाई एमबीबीएस डॉक्टर उस्तम पावरी, नो डिनाइल अबाउट। बिल्कुल सर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि डॉक्टर रुस्तम पादरी का जो रोल था वो एक एपिक रोल था। उस रोल ने हम सभी को काफ़ी इफेक्ट किया, काफ़ी हंसाया, और आपका जो कॉमिक टाइमिंग है वो अनमैच्ड है। बट देर इज़ ए क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड ऑल्सो, बिकॉज अभी हमने काम की बात की, तो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। सर अक्सर कहते हैं कि किसी भी इंसान का नाम से बड़ा उसका काम होना चाहिए, क्योंकि अगर उसका काम बड़ा है तो उसका नाम बड़ा है। आपको कैसा लगता है जब लोग आपको आपके काम से जानते हैं? क्योंकि ऐसा है कि आपको शायद आपके नाम को कोई ना जानता हो, बट हाँ एक चेहरा जो आपका है वो सभी के दिल में बस चुका है, हर कोई जानता है कि हाँ ये डॉक्टर रुस्तम पादरी का वो एपिक रोल इन्होंने ही किया था। तो आपको कैसा महसूस होता है जब लोग आपको आपके चेहरे से याद रखें, आपके नाम से ज़्यादा आपके चेहरे से याद रखें? हिमांशु भाई आपने सही कहा कि लोग मुझे मेरे काम से जानते हैं, मेरे नाम से नहीं। आज भी मैं बाहर जाता हूँ, कोई भी गेटअप में हूँ, कभी कोई कैरेक्टर में दाढ़ी रखना पड़ता है, कभी वीक रखना पड़ता है, कोई भी गेटअप में हूँ, लोग पहचान जाते हैं, यहाँ भी और परदेश में भी। ऑल फॉरेन कंट्रीज जहाँ भी मैं गया हूँ वहाँ मुझे कोई भी गेटअप में पहचान लेते हैं, दाढ़ी में भी पहचान लेते हैं। तो लोग मेरा चेहरा तो पहचान लेते हैं, लोग मेरा नाम नहीं जानते। तो कहते हैं ना कि अगर लोग अगर मेरा नाम भी जानते हैं तो सोने पे सुहागा होता है कि भाई ये पुरुष हेगू है जिसने मुन्ना भाई एमबीबीएस में डॉक्टर रुस्तम पावरी का कैरेक्टर किया था, सच अ लॉन्ग जर्नी में तैमूर का कैरेक्टर किया था, कभी यहाँ कभी ना में यशदी का कैरेक्टर किया था, रोशनी सीरियल में पूजा गौर का बाप बना था, अमोल पालेकर का सनी लॉ बना था। लेकिन कहीं भी जाता हूँ सब लोग मुझे डॉक्टर रुस्तम करके ही बुलाते हैं, और डॉक्टर रुस्तम पावरी इतना फेमस हो गया है तो आप यकीन नहीं करोगे, कुछ लोगों को तो ऐसा ही लगता है कि मैं रियल लाइफ में भी डॉक्टर हूँ। तो ये कैरेक्टर इतना इन्फ्लुएंस किया है मेरी लाइफ में, और आज भी फिल्म इंडस्ट्री वाले पहचानते हैं कि मेरा नाम कुरुश केबू है, बिकॉज एवरी डे कास्टिंग प्रोसेस एंड अदर थिंग्स आर गोइंग ऑन, सो दे नो। बट आउटसाइड फिल्म इंडस्ट्री 99% पीपल दे डोंट नो माई नेम कुरुश केबू, दे नो मी एज डॉक्टर उस्तम पावरी। तो आपने बताया मुझे नाम से नहीं काम से जानते हैं, बट अगर मेरा नाम से भी जाने तो मेरे लिए और फायदा हो सकता है, क्योंकि कभी कभी मेरा नाम नहीं पता होता है तो उनको गूगल सर्च करना पड़ता है कि भाई ये डॉक्टर रुस्तम पावरी का एक्टर किसने एक्ट किया था, और फिर वो लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं। बट दैट्स अ ब्लेसिंग, बिकॉज कम से कम मुझे पॉपुलरिटी तो मिली, आई गॉट नेम फेम मनी ड्यू टू मुन्ना भाई एमबीबीएस। सो ये जरूर है कि अभी भी एक अफसोस है कि 99% people do not know my name Kurushree, but that's okay, no issue, no regrets about it. कल उठकर कोई और अच्छी फिल्म्स में काम करूँगा, कुछ सीरियल्स या वेब सीरीज में काम करूँगा, तो इंशाल्लाह लोग मेरे नाम से भी पहचानेंगे। लेकिन एक चीज़ है कि
ऑडियंस का प्यार बहुत मिला है। और आपको पता है मुझे जब भी स्टेज पे जाते हैं तो दे डोंट वांट टू हियर माय डॉक्टर रुस्तम पावरी डायलॉग, दे वांट टू हियर माय फादर्स डायलॉग। तो हमारे डरे के डरे एवरी टाइम आई हैव टू से कैरम रमवानू जूस पीवानू मज्जा नहीं लाए रानी तो पप्पा नहीं, दैट्स इट, दे वांट टू हियर दिस लाइंस। बट एनीवे आई एम हैप्पी दैट दिस माय फादर्स लाइंस आर इमॉर्टल। एंड सेकंडली कैसा महसूस हो रहा है कि एक फिल्म की वजह से आज मैं सर्वाइव हो गया, क्योंकि मेरे साथ रोशन निजा एक्टिंग क्लास में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, बिलीव मी दे वर मोर टैलेंटेड देन माय सेल्फ। मेरी किस्मत, मेरा हार्डवर्क, मेरा पैशन और मेरी कंसिस्टेंसी, इफ यू हैव पॉजिटिव एटीट्यूड एंड इफ यू हैव डिटरमाइंड टू फाइट व्हाट यू वांट टू अचीव, नोबडी कैन स्टॉप यू, नोबडी कैन स्टॉप यू। इट्स अप टू यू हाउ यू आर गोइंग टू स्ट्रगल एंड हाउ यू आर गोइंग टू फाइट इट एंड हाउ यू आर गोइंग टू यूज योर टैलेंट एंड योर ब्रेन। योर ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ड वर्किंग में इंटेलिजेंट हार्ड वर्किंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन डोंकी वर्किंग, बिकॉज अगर आप इंटेलिजेंट हार्ड वर्किंग करोगे तो आपका काम में क्लैरिटी आएगी, यू नो एग्जैक्टली हाउ टू प्रोसीड। तो इंटेलिजेंस भी बहुत जरूरी है। तो थैंक यू गॉड के हमें हमको इतना अच्छा एजुकेशन गॉड ने दिया, हमारे परिवार वाले ने हमको इतनी अच्छी शिक्षा दी, हमारे परिवार वाले ने हमको सिखाया कि हाउ टू बिहेव, हमको सिखाया कि स्मोक नहीं करना चाहिए, दारू नहीं पीना चाहिए, वदील सबको रिस्पेक्ट देना चाहिए, ये सब क्वालिटीज हमारे परिवार वाले ने सिखाया। तो आज हम इंडस्ट्री में इतने साल से सर्वाइव है, बिकॉज इतने लंबे साल फिल्म इंडस्ट्री में सर्वाइव होना है तो यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्ट, बिकॉज आप एक सोसाइटी में काम करते हैं, ग्रुप में काम करते हैं, बहुत सारे एक्टर्स के साथ काम करना पड़ता है, हर एक एक्टर्स का टेम्परामेंट अलग होता है, हर एक टेक्नीशियंस का टेम्परामेंट अलग होता है, हर एक डायरेक्टर्स का टेम्परामेंट अलग होता है। तो सबके साथ मिलजुल के काम करना, कोऑर्डिनेशन करना, कोऑपरेशन करना और एक टीम यूनिट का पार्ट बनना, यू कांट बी एन इंडिविजुअल ऑन सेट, यू हैव टू बी पार्ट ऑफ ए टीम, बिकॉज नो एक्टर्स आर ग्रेटर देन फिल्म, फिल्म से बड़ा कोई नहीं है, फिल्म हमारी सरस्वती है, हमें हमारा सबसे बेस्ट टैलेंट, हमारी जो सरस्वती देन है वो फिल्म को लेना पड़ता है। सो नोबडी इज अबाउट द फिल्म और टीवी और टीवी कमर्शियल्स, दैट कंटेंट इज द किंग। बट एनीवे थैंक्स टू दैट संस्कार जो हमारे परिवार ने हमें दिया था तो वो हमें काम लगे यहाँ सर्वाइव होने में, बिकॉज सेट पे एवरीबडी वॉन्ट्स अ पीसफुल एनवायरमेंट, नोबडी वॉन्ट्स फाइट क्वारल सम पर्सन। सो वो भी एक अच्छी क्वालिटी है जिसकी वजह से लोग मुझे पसंद करते हैं, बार बार काम पे बुलाते हैं, दे नो दैट आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन। मैं सेट पे अपना काम में मशगूल रहता हूँ, मैं डायलॉग्स की लाइंस है वो सब याद करके रेडी रहता हूँ कि कल उठकर सेट पे मेरी वजह से तकलीफ ना हो। सो दैट प्रोफेशनलिज्म हेल्प्स मी टू कंटिन्यू माई करियर फॉर 35 ईयर्स एंड इंशाल्लाह पूरी जिंदगी जब तक जिंदा रहेंगे तब तक इसी इंडस्ट्री में काम करेंगे, हम और कहीं काम करने का इरादा है ही नहीं, यही हमारी। सर आपको क्या लगता है कि जो कोरोना पैंडमिक अभी चल रहा है उसने आपकी लाइफ को कितना इफेक्ट किया है, कुछ चीजें जो पहले थी अब उनमें कुछ बदलाव हुआ हो, आपकी लाइफ में बदलाव हुआ या फिर फिल्म इंडस्ट्री पे कोरोना ने क्या इफेक्ट डाला है? आपको क्या लगता है कि कुछ चीजें जो इस कोरोना काल में बदल गई हो जो कि शायद होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? हिमांशु भाई, बाकी रही फिल्म इंडस्ट्री की बात, कोविड-19 कोरोना वायरस से कैसे जूझ रहे हैं, कैसी इफेक्ट हुई है, तो जैसे लॉकडाउन हुआ था तो नेचुरली हमारी इंडस्ट्री भी स्टैंड स्टिल थी और बेसिकली OTT प्लेटफॉर्म सुपर डुपर हिट चल रहा था बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, टीवी सीरियल सुपर डुपर हिट चल रहा था लेकिन टीवी सीरियल्स का नया कंटेंट आ नहीं रहा था बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, तो रिपीट सीरियल्स चल रहा था। तो मेन फिल्म इंडस्ट्री का जो इश्यू था वो थिएटर का था कि टीवी कमर्शियल्स तो टेलीविजन पे आ सकती है बट व्हाट अबाउट द फिल्म रिलीज, और बड़ी फिल्म है उसको तो थिएटर में रिलीज करनी ही पड़ेगी। फिर भी उन्होंने कुछ फिल्म्स कमर्शियल फिल्म्स OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज की, नेटफ्लिक्स एमेजोन प्राइम पे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोविड-19 कोरोना वायरस हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, हमारी फिल्म इंडस्ट्री का एक स्टैंडर्ड रूल है, परफॉर्मिंग आर्ट्स का रूल है और वो रूल का मोटो है शो मस्ट गो ऑन, शो मस्ट गो ऑन इन एनी कंडीशन। आपके परिवार में डेथ भी हुई होती है फिर भी आपको स्टेज शोज परफॉर्म करना ही पड़ता है
इसके बाद ही आप रिंग शो अटेंड कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं आज का मेरा स्टेज शो अटेंड नहीं करूंगा बिकॉज मेरे परिवार में मौत हुई है तो नहीं करना ही पड़ता है, देयर इज नो चॉइस। सेम वे आपका शूट तो करना ही पड़ेगा, शूट के बाद आप ये कर सकते हैं बिकॉज दिस इज द इंडस्ट्री रूल दैट शो मस्ट गो ऑन। तो COVID-19 आएगा, कोरोना वायरस अटैक करेगा, शो मस्ट गो ऑन, फिल्म इंडस्ट्री चलती रहेगी, जो शहीद होने वाले वो शहीद होते रहेंगे। तो इसके लिए हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए हैं बिकॉज जान है तो जहान है, और हमारे साथ बहुत सीनियर सिटीजन एक्टर्स भी काम करते हैं, बच्चे चाइल्ड आर्टिस्ट भी काम करते हैं। तो ये एक फिल्म इंडस्ट्री की जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी वल्नरेबल कास्ट है या टेक्नीशियन है वो सलामत रहे। तो इसके लिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं पायोनियर हूँ, COVID-19 लॉकडाउन में सबसे पहली एड करने वाला बंदा मैं हूँ। हम लोगों ने ओयो होटल चेन इंडस्ट्री की एड शूट की थी ट्रॉम्बे में, एसएल स्टूडियो में। सो दैट वाज अवर फर्स्ट एड, और मुझे भी डर लगा था, मैं अपनी खुद की कार में गया था, उन लोगों ने कार का ऑफर भी किया था, मैं बोला कि नहीं मैं अपनी खुद की कार में आऊंगा, सेफ्टी प्रिकॉशन लेकर सब मास्क हैंड वॉश लिक्विड सब सब लेकर गया था, डर भी लग रहा था। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैं जैसे कोई हॉलीवुड स्टूडियो का जो सेट होता है ना वहां पहुंच गया, ऐसा माहौल था। टोटल सेफ्टी प्रिकॉशन, मास्क, फेस शील्ड, मेकअप मैन जो पूरा वायरस का जो कॉस्ट्यूम पहन के जो वो किट टेस्ट करते हैं ना वो कोरोना वायरस गर्दी के, वैसे पूरा पहना था जैसे ऐसा ही लग रहा है कि कोई एस्ट्रोनॉट आ गया। तो पूरा प्रिकॉशन के साथ हम लोगों ने शूट किया, शूट पे लिमिटेड पीपल ऑन द सेट, वहाँ भी सोशल डिस्टेंस रखा, जितना टेक्नीशियंस थे सब लोगों ने मास्क और फेस शील्ड पहना था, एक्टर्स लोग रिहर्सल्स के वक्त मास्क पहना था, शॉट के टाइम मास्क निकाला, जैसे ही शॉट खत्म हो गया वापस पहन लिया, जो भी खाने का था नो बुफे सिस्टम, सबको अपना अपना इंडिविजुअल बॉक्स दिया था, पानी का बॉटल इंडिविजुअल दिया था, लंच भी इंडिविजुअल बॉक्स में दिया था। मतलब एक हॉलीवुड सेट पे जैसे काम करता है ना, ऐसा मेरा ओयो का जो प्रोडक्शन हैंडल करता था ना उसने ये मैनेज किया ना, हैट्स ऑफ टू हिम और इसकी यूनिट के उन्होंने बेंचमार्क रखा था। मुझे कितने भी फोन आए, अरे यार ये लोग ने शूट कैसे किया जरा हमें भी बताओ, क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन दिया था, बिकॉज इट वॉज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर फिल्म इंडस्ट्री ऑल्सो। एंड नाउ एवरीबडी ऑन टीवी सेट, ऑन फिल्म इंडस्ट्री सेट, ऑन वेब सीरीज सेट, आप कोई भी सेट पे जाओ वहाँ COVID-19 कोरोना वायरस के सोफिस्टिकेटेड सेफ्टी प्रिकॉशन रखे हैं, तो सबको कॉन्फिडेंस है। एंड एज आई से कि वॉर चल रही है बट सॉफ्ट COVID-19 कोरोना वायरस की बायोलॉजिकल वर्ल्ड वॉर 3 चल रही है, बट शो मस्ट गो ऑन, कर्मा करो, बिकॉज अगर आप घर पे बैठे रहोगे तो और फ्रस्ट्रेशन आएगा। बेस्ट थिंग, डू योर कर्मा, कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी एंड ट्राई टू बी इन COVID-19 एटमोस्फियर, और इंशाल्लाह अगर सब लोग सेफ्टी प्रिकॉशन लेते हैं तो सब लोग सलामत रहेंगे। लेकिन अगर कोई कास्ट ग्रुप का बंदा वहां से सेफ्टी प्रिकॉशन लिया बट अपना जो होम एनवायरमेंट है या ट्रैवलिंग कन्वीनियंस का जो कम्यूट व्हीकल है जो भी है, अगर वहां उसने प्रिकॉशन नहीं लिया तो असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स जो होते हैं दैट विल स्प्रेड वायरस इवन इन फिल्म इंडस्ट्री। तो कुछ हमारे अंकुश में होता है, कुछ आउट ऑफ कंट्रोल होता है। तो ये हर एक इंसान की जिम्मेदारी होती है कि अगर आपको फीवर आ रही है या कोई भी ऐसे लक्षण है स्नीजिंग का या मतलब कफ खांसी बॉडी पेन कुछ भी, तो आप अपने डॉक्टर्स को बोलो और आप यूनिट को कह दो कि हम नहीं आ सकते बिकॉज अगर आपकी एक मिस्टेक से एक 1% कैन स्प्रेड टू 8 लाख पीपल, दैट इज प्रूफ इन मास गैदरिंग 1% हैज स्प्रेड कोरोना वायरस टू 8 लाख पीपल। सो इट्स अ वेरी वेरी रिस्की, यू हैव टू हैव सिविक सेंस एंड यू हैव टू कीप योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अवर इंडस्ट्री इज डूइंग वेरी वेल, दे आर टेकिंग प्रिकॉशन, इवन सिंटा has maintained the guidelines, the federation has maintained the guidelines and everybody follows it, but it also depends upon us how we maintain social distance on set, how we carry our food habits, how we wear our mask, face shield, and how we hygiene our hand wash and sanitize our hands and also sanitize our place. Even when dubbing mein gaya tha to dubbing mein bhi pura sound studio, pura mic, everything they sanitized. So, जितना भी मैंने एड फिल्म किया है, हिंदी फिल्म शूट किया है और डबिंग किया है,
I observe everywhere they are maintaining safety, COVID-19 precaution, and you have to be in the system if you can't fight against the system. तरफ हमें इस वायरस से बचना है और दूसरी तरफ जैसा आपने कहा कि द शो मस्ट गो ऑन, तो दोनों चीजें ही चलानी है। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम इस चीज को कैसे चला पाते हैं या फिर क्या कर पाते हैं। बट देयर इज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड कि जस्ट इज नॉट ए क्वेश्चन, एक्चुअली मैं बस जनरली आपसे पूछना चाहता हूँ कि आजकल की जो हमारा जनरेशन है, जो हमारा यूथ है, वो काफ़ी एक्टिव है, वो एक्टर बनना चाहता है, वो कोई बंदा है वो डांसिंग करना चाहता है, डांसर बनना चाहता है, कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई बंदा आर्टिस्ट बनना चाहता है। तो आपका इस यूथ के लिए क्या मैसेज हो सकता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक बहुत ज़रूरी है ये जानना कि आप अगर कुछ काम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेने और क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं, आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं? स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क, पैशन, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड Keep working. जो भी काम मिले करते रहो। काम मिलने से दूसरा काम मिलता है, घर में बैठने से काम नहीं मिलेगा। काम करने से दूसरा काम मिलता है, घर पे बैठे रहने से काम नहीं मिलेगा और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आएगा। फर्स्ट इनिशियल स्टेज में पैसा मत देखो, काम करते रहो। काम अगर अच्छा करोगे तो बाद में पैसा भी अच्छा मिलेगा। सो डोंट फोर्स योरसेल्फ अबाउट द मनी। यस, बट यू शुड डिमांड रिस्पेक्टेबल मनी कि कोई आपको एक्सप्लॉइट ना करे। सो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, बहुत सारे टेक्नीशियंस भी हैं, न्यू डायरेक्टर, न्यू राइटर। सो ये क्रिएटिव फील्ड में बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं एंड दे आर जेन्युइनली टैलेंटेड। जो हमारा जो वक्त था और आज का जनरेशन है, दिस जनरेशन इज इंटेलिजेंट, टैलेंटेड, हार्ड वर्किंग। एंड यूथ में क्या होता है ना, एक एनर्जी होती है। जब आप यंग होते हैं तो आप कोई भी काम करने के लिए आप थकान नहीं महसूस करते हैं। आज आप देखिए, हर सारे जिम में कितने यूथ लोग एक्सरसाइज करने जाते हैं। एवरीबॉडी कीप्स देयर बॉडी फिट, मेंटली योगा भी करते हैं और सिक्स पैक्स बनाते हैं। तो मैं कहता हूं कि आप सिक्स पैक्स बनाइए, योगा कीजिए, बट एक्टिंग का रियाज भी रोज कीजिए। देखिए, डांसर्स लोग होते हैं वो लोग रोज डांसिंग का रियाज करते हैं, इसके बिना तो वो चलता नहीं। उनका डांस पैशन होता है, वो लोग रोज डांस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। जो लोग सिंगर्स होते हैं वो लोग भी रोज रियाज करते हैं, वो भी बिना रियाज करे स्टेज पे जाएगा तो उसका गला खराब हो जाएगा। सो दे नो कि रियाज कितना जरूरी है। हर रोज वो लोग मेहनत करते हैं, तो एक्टर लोग रोज मेहनत क्यों नहीं करते? हम लोग इतना आलसी क्यों है? तो यूथ, यंग एक्टर्स, एवरी डे वर्क हार्ड, एवरी डे एक एक मोनोलॉग याद करके परफॉर्म करो, एवरी डे कुछ डायलॉग के सीन्स करो, कुछ कैरेक्टराइजेशन करो, अलग अलग जो ऑब्जर्व किया है उसको रिपीट करो, बट डू योर कर्मा, ओके। और अभी न्यू कमर्स के लिए एक चीज और बहुत जरूरी है कि यहाँ सिर्फ टैलेंट नहीं चाहती है, टैलेंट तो चाहिए ही, बट उसके साथ आपके पास मार्केटिंग टैलेंट होना बहुत जरूरी है। और मार्केटिंग टैलेंट के लिए भी आपको आपका दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। बहुत सारा रिजेक्शन लेना पड़ेगा, बहुत सारा ह्यूमिलेशन लेना पड़ेगा, बट आपको आपकी मंजिल पार करनी है। आपको स्टार बनना है, आपको कामयाब एक्टर या सिंगर या डांसर बनना है, या डायरेक्टर या राइटर बनना है, ये आपका मकाम है। बीच में कितने भी पथराव आए, कितने भी उतार चढ़ाव आए, कितनी भी गालियां मिले, कितने भी इंसल्ट, ह्यूमिलेशन मिले, बदनामी मिले, आप उस रास्ते पे बिना इमोशनली हुए अपने मकाम पे चलते जाओ। एक बार अगर आपको कामयाबी मिलेगी तो आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी, आपकी काम की कदर भी होगी और आपको एक प्रोफेशनल एक्टर के तरीके से हर बार आपको वापस रिपीट भी करेंगे। सो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क, पैशन होना बहुत जरूरी है। अगर आप पैशन नहीं करेंगे तो थोड़ा वक्त में आप बोर हो जाएंगे। हमारी इंडस्ट्री में पैशन होना बहुत जरूरी है, तो कीप गोइंग फॉर लॉन्गर ईयर्स। हमारी सेल्फ लाइफ कितनी होती है एक्टर्स की, सिंगर की, डांसर की? 5 साल का एक फेज होता है, बाद में आगे पीछे आप कमा लेते हैं, वो बात अलग है, लेकिन एक फेज जो होता है सिर्फ 5 साल का होता है। द शेल्फ लाइफ इज वेरी लिमिटेड। तो इसके लिए मेरी एडवाइस है कि आप प्लीज हार्डवर्क कीजिए, डेली रियाज कीजिए और ट्राई टू अप्रोच एज मेनी एज कास्टिंग डायरेक्टर्स। और एक सिस्टम होता है, तो सिस्टम को फॉलो करो।
अगर उन्होंने बोला है कि नो कॉल्स प्लीज डोंट कॉल, अगर उन्होंने बोला है कि नो नॉर्मल व्हाट्सएप कॉल डोंट डू इट, गो एंड गिव ऑडिशंस, जॉइन व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड ट्राई टू गिव एज मनी एज ऑडिशंस। अभी तो सेल्फ टेस्ट आ गया है, घर पे आपको बैठ के ऑडिशंस देना है, सो कोविड-19 से भी आप बच पाओगे। जूम ऑडिशंस कितने ले गए, ऑल टेक्नोलॉजीज आर चेंजिंग ड्यू टू कोविड-19, सो यू हैव फ्रीडम टू डू इट एट होम। वहाँ लाइन में हम लोग को खड़ा रहना पड़ता है ऑडिशन के लिए 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, कभी कभी 6 घंटा भी लग जाता है। सो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट नेवर फील बैड और डिप्रेस, दिस इज द पार्ट ऑफ योर लाइफ। आप सोचिए एक वर्कर जो होता है, जो कतर में जाके बेचारा काम करता है, कभी कभी गैस से मर भी जाता है, कितना हार्डवर्क करता है। कोयले की खान में जो काम करने वाला इंसान जो होता है, उसकी लाइफ कितनी डेंजरस होती है। कभी भी वो ब्लास्ट होता है, कभी भी वो सुरंग दब जाती है, अर्थक्वेक होता है, पानी फ्लडेड होता है, कितनी डिफिकल्ट लाइफ है, कितना हार्डवर्क करते हैं। तो अगर वो लोग इतना हार्डवर्क करते हैं, हम एक्टर्स लोग इतना तो हार्डवर्क नहीं करते, और वो लोग तो पैसे कमाने के लिए मजबूरी से करते हैं, हम तो अपना पैशन के लिए करते हैं। हम यहाँ एक्टर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं आया है, हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक पैशन मिलता है कि जिसकी वजह से हमको एक सेटिस्फैक्शन मिले कि भाई हम एक्टर हैं और ये काम करने में हमें बहुत मजा आता है, सुकून मिलता है। रिस्पेक्ट सरस्वती की आराधना करो। पैसा हाथ का महल है, आज नहीं तो कल आएगा। अगर आप कामयाब होंगे, कामयाबी छोड़ेंगे तो आपको जरूर मिलेगा, नेम भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा और मनी भी मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट, बिकॉज देयर आर टू मच पॉपुलेशन। 1 करोड़ के लिए 100 लोग कास्टिंग के लिए बुलाते हैं, उसमें से शॉर्टलिस्ट 10 होते हैं और फाइनली 1 सिलेक्ट होता है। तो आप सोचिए, पहले 1000, फिर 100, फिर 10 और बाद में। कॉम्पिटिशन इज टू मच, बट डोंट बी अफ्रेड, क्योंकि इंसान ने आपको यूनिक बनाया है। अगर उनको पुरुष देबू ही चाहिए तो वो आपको जरूर कास्ट करेगा, बट यू मस्ट बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड एंड यू मस्ट डिलीवर द गुड्स। दूसरा, क्या नहीं करना चाहिए पूछ रहे। आपका जो भी ईगो है, आपका जो भी टेंट्रम्स है, आपकी जो भी एटीट्यूड्स है, वो आप घर से एक बार बाहर निकले वहां छोड़ के। इंडस्ट्री में ना ईगो चलेगा, ना टेंट्रम्स चलेगा, ना एटीट्यूड चलेगा। क्यों? बिकॉज इट्स अ टीम वर्क। कहते हैं ना कि एक गंदी आम पूरा लॉट को गंदा कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं। एक सड़ा हुआ आम पूरा आम का ब्लॉक्स को खराब कर देता है। तो वैसी ही चीज़ है कि अगर एक बंदा वहाँ सेट पे टेंट्रम ठोकेगा, एटीट्यूड दिखाएगा, तो पूरा सेट का माहौल खराब हो जाता है। और हर एक एक्टर्स का टेम्परामेंट अलग अलग होता है, तो अगर आपको दूसरा एक्टर्स का टेम्परामेंट पसंद ना आए, देन यू हैव टू एडजस्ट, कॉम्प्रोमाइज, कोऑर्डिनेट एंड कोऑपरेट। जैसे होता है ना फर्स्ट लव में फर्स्ट दिन आप कोई भी लड़की के साथ कैसे बिहेव करते हो? आप एटीट्यूड दिखाते हो? आप ईगो दिखाते हो? नहीं, यू ट्राई टू परसीव इट फ्रेंडशिप, देन इट बिकम्स लव। तो ऐसे ही समझ लीजिए कि यू लव योर इंडस्ट्री, तो आप जितना प्यार इंडस्ट्री को और उसके कास्ट एंड क्रू को देंगे, इतना ही प्यार आपको वापस मिलेगा। आई थिंक आई हैव गिवन वन ऑफ द बेस्ट एडवाइस, इफ आई कैन से। बाकी तो क्या होता है ना कि एक एक्टर है, वी आर वेरी ओवर सेंटिमेंटल पीपल, फेलियर्स का फ्रस्ट्रेशन आता है, ये आता है, बट रियाज करते रहो, ऑडिशन देते रहो, कहीं ना कहीं जेट लग जाएगा। तो इनिशियल स्टेज पे मनी मत देखिए, रोल देखिए, और काम से अगर आप में टैलेंट होगा तो अगर आप एक सीन भी करेंगे लेकिन डायरेक्टर ने देख लिया, दूसरी बार आपको बड़ा रोल मिल जाएगा। बहुत लोगों ने शुरुआत छोटे छोटे रोल से की है, मैंने भी किया है। मैंने पहली फिल्म में हीरो का रोल किया था, दूसरी कभी हम कभी ना में भी मेजर रोल था, शाहरुख खान का बेस्ट फ्रेंड, लेकिन उसके बाद भी मैंने बहुत सारे सपोर्टिंग रोल किए। इवन मुन्ना में MBBS के बाद भी मैंने एक एक सीन भी किया। व्हाई? फर्स्ट, देयर आर नो स्मॉल रोल्स, देयर आर ओनली स्मॉल एक्टर्स। रोल कभी छोटा नहीं होता, एक रोल एक सीन में भी आप इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं। एग्जाम्पल्स है, आप शोले उठाकर देख लीजिए कितने एक्टर्स ने एक दो सीन किए हैं, कभी इम्पैक्ट किया। नवे MBBS देख लीजिए। सो बेस्ट थिंग, वर्क हार्ड एंड ट्रस्ट द गॉड, यू विल मेक इट सक्सेस। कितना टाइम लगेगा मालूम है? अगर आपको लगता है कि टाइम इज द कंस्ट्रेंट, तो बेस्ट थिंग आप नाइट ड्यूटी का कोई पार्ट टाइम जॉब कीजिए, तो आपका ब्रेड बटर चलता रहे और साथ में स्ट्रगल कीजिए।
थैंक यू सो मच गुरु सर फॉर शेयरिंग योर थॉट्स ऑन माय पॉइंट्स एंड हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है, आपके बारे में जाना है। आजकल लोग थोड़ा सा कुछ अचीव कर लेते हैं उनमें ईगो या एटीट्यूड आ जाता है। आपने सिखाया है कि आप चाहे किसी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए आप जमीन से जुड़े हुए होने चाहिए। जैसा कि आपका नेचर है आप एक डाउन टू अर्थ पर्सन, एक हम्बल पर्सन है। आपके एटीट्यूड में दिखाई देता है कि हम्बलनेस क्या होती है, आप ये चीज डिफाइन करते हैं और आशा करते हैं कि आपको हमारा शो बहुत अच्छा लगा हो। यस हिमांशु भाई, आपने इतनी तारीफ की, इतना मैं डाउन टू अर्थ आदमी हूं, नो एटीट्यूड, ऐसा नहीं है। आई एम आल्सो ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग होते हैं तो हमारे इंसान के अंदर सारे इमोशंस होते हैं। अगर सारे इमोशंस नहीं होते तो हम एक्टिंग में जब परफॉर्म करते हैं कोई कैरेक्टर्स परफॉर्म कर ही नहीं पाएंगे। कभी एंगर निकालना पड़ता है, कभी जेलसी निकालनी पड़ती है, कभी मर्डर इंस्टिंक्ट दिखाना पड़ता है। तो इंसान में ये सब क्वालिटीज, सब इमोशंस होते हैं, पॉजिटिव इमोशंस भी होते हैं, नेगेटिव इमोशंस भी होते हैं, बट हम अपने नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। वाई? क्योंकि मैंने बोला ना कि वो आपके संस्कार के ऊपर है कि आपके परिवार ने आपको कैसे ग्रोन अप किया है। तो वी आर वेरी लकी कि मेरे परिवार में सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं, मेरे आंट्स है, मेरे अंकल्स है, सब लोगों ने मुझे ट्रेनिंग दिया था। तो इसीलिए मैं डाउन टू अर्थ हूँ क्योंकि मैंने दुनिया देखी है, ये जीवन चक्र है, ये राइज एंड फॉल्स होता ही रहता है। तो आई नो कि आज ऊपर है कल नीचे जाने वाला ही है, बट जितना हम काम करते हैं वो काम एंजॉय करो पैशन से। कभी अगर आप काम एंजॉय करते हैं ना तो आप 12 घंटा काम करोगे, 15 घंटा काम करोगे, 24 घंटा काम करोगे, 36 आवर्स। मैंने बाइबल में 36 आवर्स, 48 आवर्स नॉन स्टॉप काम किया था। बहुत सारे टीवी कमर्शियल में भी मैंने कम से कम 36 घंटा तक नॉन स्टॉप काम किया, लेकिन मैं कभी ठगा नहीं होता। क्यों? कि पैशन, एक जुनून होता है। तो वही चीज़ याद रखिएगा, अगर आपके अंदर पैशन होंगे तो आप अपने काम से थकेंगे नहीं। लेकिन जिस दिन आपका पैशन मर गया है, सिर्फ आप पैसा देखते हो, उस दिन आपकी थकान चाहो। तो आई एम अ प्रैक्टिकल ह्यूमन बीइंग, लेकिन हाँ, गुस्सा हमें भी आता है, फ्रस्ट्रेशन हमें भी आता है, फेलियर से सेटबैक, फेलियर की सेटबैक से हमें भी डिसअपॉइंटमेंट होता है। मैं कोई गुरु या संत साधु नहीं हूँ कि जो अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करे, लेकिन एक बार आप कोई सेट पे गया तो सेट पे यू हैव टू मेंटेन दैट डिसिप्लिन, डेकोरम। एक डिसिप्लिन जो होता है वो आपको मेंटेन करना होता है। जो भी आपका फ्रस्ट्रेशन है, जो भी आप किसी के साथ आपको नेचर में इशू है, बट डू नॉट थ्रो दैट थिंग ऑन सेट, बिकॉज वो एक सरस्वती मंदिर है। बस अपने काम में घुस जाओ, बाकी की सारी चीज़ें भूल जाओ। काम में घुस जाओगे तो आप सोने पे सुहागा करोगे, बिकॉज लास्ट मोमेंट पे जो आप हार्डवर्क करते हो दैट शोज ऑन द स्क्रीन। आपका जो सीन चालू होगा, शॉट चालू होगा, उसके पहले क्या हुआ है वो आप फील करेंगे, और उसके बाद क्या होने वाला है वो आप इंटेलिजेंट दिमाग से सोच के रखेंगे। तो आप उस सीन के अंदर घुस जाओ, तो ये शॉट के पहले क्या हुआ था, उसके पहले मेरी एंट्री कैसे हुई थी, ये सब थोड़ा याद रखोगे, उसके अंदर फील करोगे, इमेजिनेशन करोगे, तो वो सीन और अच्छा होगा। सो आई एम हैप्पी व्हाट आई एम टुडे, व्हाट आई वाज यस्टरडे, ऊपर वाले की देन है। और होता है कभी कभी इंसान अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर सकता है, बट एटलीस्ट ऑन सेट यू हैव टू मेंटेन डिसिप्लिन। जो भी है आप अपने घर में रखिए। इसके लिए मैंने कहा कि जो न्यू जनरेशन वाले आते हैं उसके घर में माँ बाप है, वो बच्चों को ऐसे सिखाया है कि बच्चों को बोलना नहीं चाहिए, बच्चों को मारना नहीं चाहिए। हमारे जनरेशन में तो हमारे माँ बाप ऐसे मारते थे कि आप बात मत पूछो। कुछ छोटी छोटी चीज़ों पर, कुछ पतंग चगाने के लिए रूफ पे गए तो मार पड़ी, कुछ भी। आई विल गिव यू एग्जांपल, मैं कभी स्मोक करता नहीं था, मैं एक बच्चा था, तो मेरे आंगन में एक बीड़ी का ये था, जला हुआ बीड़ी था। मैं खाली क्यूरियोसिटी के लिए ऐसे उठाकर देख रहा था, तो पता नहीं कहाँ से मेरी मम्मी आ गई और जो बाटा की जो चमड़े की चप्पल है वो सीधा मेरे गाल पे मार गई। उनको ऐसा लगा कि मैं बीड़ी पी रहा, तो वो जो चाटा पड़ा चप्पल का वो कनेक्ट हो गया कि नहीं, स्मोकिंग करना बहुत बुरी चीज़ है, उससे दूर रहना चाहिए। इसके बाद मैं हॉस्टल लाइफ में गया, कॉलेज लाइफ में गया, मेरे बहुत सारे दोस्त स्मोक करते थे, च्यूइंग टोबैको, पान मावा खाते थे, लेकिन मैंने कभी नहीं किया। सो ये संस्कार है, हम लोग मार खा खा के सीखे थे, टीचर्स के हम भी मार खा खा के सीखे थे। बट अभी नया जनरेशन को साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट कहते हैं कि बच्चों को मारना नहीं चाहिए, प्यार मोहब्बत से सिखाना चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि कुछ बच्चों को घर में अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिलती, पर उनके जो दोस्त होते हैं उसके घर में जो बिहेव करते हैं बच्चे, वो भी देख के वो बच्चे ऑब्जर्व करके बिगड़ जाते हैं।
तो ये प्रोसेस है और आफ्टर सम टाइम्स अंडरस्टैंडिंग आ जाती है और वो अंडरस्टैंडिंग के बाद अच्छा बिहेव भी करते हैं, बट उसमें कुछ ऐसे है कि बिगड़ी हुई औलाद होती है तो वो घर के अंदर भी वैसा ही बिहेव करते हैं और सेट पे आते हैं वैसा ही बिहेव करते हैं और कभी कभी सक्सेस तुरंत मिल भी जाता है बट दे वोंट सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर टाइम, देयर सेल्फ शेल्फ लाइफ इज वेरी लिमिटेड. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि सेट पे डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है. प्यार मोहब्बत से रहो, इट्स परिवार. जैसे एक टीवी सीरियल होता है वो एक साल दो साल पाँच साल चलता है, तो आप किसी के साथ अनबनाव रखेंगे तो आप कैसे रहेंगे? परिवार है, परिवार में कभी उतार चढ़ाव होता है, जैसे हमारे घर के अंदर कैसे हम एडजस्ट कर लेते हैं वैसे ही हमको सेट पे एडजस्ट करना चाहिए. बाकी तो आप लोगों का प्यार है, हिमांशु जंगी भाई ने हमें बुलाया यहाँ, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत कुछ जानने को मिला. हिमांशु का जो पॉडकास्ट है एक नया प्लेटफॉर्म मुझे इंटरव्यू के लिए मिला. आई थिंक आई एम गिविंग फर्स्ट टाइम इंटरव्यू फॉर पॉडकास्ट, तो मैं हिमांशु पॉडकास्ट का शुक्रगुजार हूँ. आई हैव टू थैंक एवरीबडी. I have to thank Himanshu Jangir, is Himanshu's podcast, then YouTube and other podcast platforms, जो Himanshu's podcast release करेंगे. Thank you very much, सभी दर्शकों और सभी सुनने वाले चाहकों, podcast सुनने वाले को कुरुश टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया. एंड हिमांशु भाई, आपने genuinely मेरी जितनी तारीफ की, जितना आपने मुझे समझा, मुझे बहुत गर्व हो रहा है. आई एम रियली रियली थैंकफुल टू यू. I liked your interview style. I wish you all the best, Himanshu bhai, कि आपका प्रोग्राम ये जो है पॉडकास्ट का वो बहुत आगे प्रोग्रेस करें और आप बहुत बड़े एंकर बने और मेन स्ट्रीम में जल्द से जल्द आ जाए. I wish you all the best, Himanshu Jangir, and thank you very much, Himanshu's podcast listeners and YouTube viewers. Thank you so much. थैंक यू सो मच गुरु सर फॉर योर लव. एंड मेरा भी आपसे एक अच्छा कनेक्शन है, बचपन से आपको देखते हुए आ रहा हूँ. पहले मुन्ना भाई MBBS के डॉक्टर रुस्तम पादरी के तौर पर, फिर उसके बाद में शाकाला का बुम बुम जो सभी का बचपन रहा है उसमें, जीनी और जूजू में, और काफ़ी सारी मूवीज़ में हमने आपको देखा है. और जैसे मुझसे शादी करोगी मैं आपका एक पैट ओनर का रोल, तो काफ़ी ऐसे रोल्स हैं जिन्होंने काफ़ी एंटरटेन किया है और वो अनफॉर्गेटेबल है सर. सो थैंक यू सो मच सर फॉर कनेक्टिंग अस, एंड आई विश कि आपका आगे आप इसी तरह से जवान रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें. शुक्रिया सर. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया हो. एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक शेयर एंड कॉमेंट ऑन द वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द हिमांशु पॉडकास्ट.